सर कागज आप नहीं दिखाओगे, मौलाना साहब का पता आपको पता है, आप नहीं बताओगे। एक सवाल आप सरकार से नहीं पूछ सकते। अरे सर कुछ तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए, ऊपर भी आपको जवाब देना है। चैनल में बैठना भूल जाओगी, आपको आप मुझे धमकी देंगे आप। कभी ये कांग्रेस नेता बैठे थे, कांग्रेस ने इनको मना कर दिया तो पॉलिटिकल एनालिस्ट में भी बैठता था। ये टीवी पे सारे समाज का ठेका इन्होंने लेके रखा है, जो हर दिन अपने डेली समझ में नहीं आता है। मौलाना रशीदी जी भी हमारे साथ बड़े देश की इस वक्त ये अपना चेहरा चमकाओ भाई, ठीक है आपको बना ले प्रवक्ता चमकाओ। मौलाना आप काली तो पोत नहीं पा रहे हो, पहले काली खटा लो ठीक है। सारे रंग ठीक है, पहले आप काली साफ करिए अपने चेहरे पे, सुन लेते हैं ना आप चेहरे के नाम है। एक के मिश्रा जी इस हिंदुस्तान के निशान लग जाएंगे। एक के मिश्रा जी, एक के मिश्रा जी, एक के कोरोना की इस महामारी में कम से कम व्यक्तिगत झगड़ों का समय नहीं है। आप बनाते हो सर, एक के मिश्रा जी हिंदू टेररिज्म का कांसेप्ट बनाते हो। झूठ वाली डिबेट में नहीं बैठता है। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अरे बयान कभी उन्होंने जिक्र किया था, मतलब उनको इल्म था। मैं नॉलेज बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। कोरोना का आपके सामने है सब कुछ, थोड़ी देर पहले आप भी डिफेंड कर रहे थे, गोल गोल बातें गुस्से रही है, जवाब दाएं बाएं से आ रहे, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं। ठीक है आप बोले आप सुनना नहीं चाहते, टिकट बांटने का आपको तो नफरत चला। आप बोले सर्टिफिकेट आपको मिल ही कहां रहा है नाम लेते। अरे सर्टिफिकेट मिल कहां रहा है आपको जी, हम आपसे बात करते हैं 2014 से तो मिला नहीं सर्टिफिकेट, हर बार लेने की आप कोशिश कर रहे हो। एक दिक्कत ये है रशीदी जी, आपको बहुत बुरा लग रहा है मेरे हर एक सवाल पर, लेकिन दिक्कत ये है कि सोए हुए को जगाना बहुत आसान है, लेकिन जो सोने का नाटक करे उसको बहुत मुश्किल होता है जगाना। अजय वर्मा जी, स्मिता जी, मेरा अनुरोध बहुत अच्छी बात है, यहाँ जस्टिस के मिश्रा साहब बैठे हैं, न्यायमूर्ति हैं, उनसे शिवम जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के सीनियर हैं हमारे, हम तो कार्यकर्ता थे, अब आपने अपना खोल बदल लिया है। और नहीं, हम कांग्रेस नेता ही नहीं सर, हमें पता है आप क्या थे और क्या। देखिए व्यक्तिगत हो करके मत करिए, आप अपनी बात को रखिए सर। मैं आपको सम्मान दे रहा हूं। नहीं मैं भी सम्मान ही बोल रहा हूं, और हमें पता है। और फिरंगी हमारे साथ मौजूद है चर्चा के लिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट एके मिश्रा जी। सबसे पहले एके मिश्रा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए सामाजिक जिम्मेदारी सबकी है कि कोरोना से एक साथ मिलकर लड़े, और जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो वो ये बात कहते भी हैं, लेकिन मौलाना साद और मरकज में मिले जो जमाती थे और उसके बाद जिस तरीके से कोरोना फैला, जहां जहां पे वो गए वहां वहां की दर जैसे जैसे बढ़ी, क्या इसे साजिशन हम ये कह सकते हैं कि सरकार का विरोध करते करते समाज का विरोध होने लगा? साजिश तो एक बहुत छोटा शब्द होगा स्मिता, मैं आप थोड़ा सा इस चीज़ को, इसकी इमेजिन करिए, इसको कल्पना करिए, कोई अगर न्यूक्लियर बम स्मगल करे यहाँ से वहाँ लेकर के जाए तो उसकी क्या सज़ा होती है, कोई अफीम वगैरह इस तरह का खतरनाक चीज़ें, कोई मिसाइल्स वगैरह या आयुध के सामान इधर से उधर टेररिस्ट जब लेके जाते हैं इल्लीगल तरीके में क्या होता है। ये 21वीं सदी है, एक नया बायोलॉजिकल टेरर वीपन को कैरी करना, स्मगल करना, आप इसको स्मगलर बोलिए, माफिया डॉन बोलिए, किस चीज का, बायोलॉजिकल वीपन का। आप देखिए कोरोना फैलता कैसे है, इनको सारी चीजें पता थी, ये लोग बहुत बुद्धिमान है, पूरी दुनिया भर में इनके जमाती लोग जो है घूमते फिरते रहते हैं, और अनाउंस भी हो चुका था कोरोना फैला हुआ है, इस चीज का एहतियात लीजिए। इसके बाद भी उन्होंने ऐसी चीजें की हैं, तो ये बायोलॉजिकल टेररिज्म की कैटेगरी में आता है, और मैं समझता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब एक नए अप्रोच के साथ बढ़ना चाहिए, ऐसा नियम और कानून बनाना चाहिए। ये फैलता कैसे है, एक आदमी से दूसरे आदमी, प्राइमरी सोर्स ये लोग इंडिया में साबित हुए। अगर इन लोगों ने ये चीजें न की होती जानबूझ के तो शायद स्थिति इतनी भयावह नहीं होती। हर स्टेट में, लगभग हर जिलों में 170 या 180 जिलों में ये फैल चुका है, टोटल 530 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में। इन्होंने इतने डिस्ट्रिक्ट की पूरी कामकाज रोक दिया, लाखों लोगों की जान को इन्होंने खतरे में डाल दिया, पूरे देश के ऊपर इन्होंने ब्रेक लगा दिया। विधवा विलाप करने से पक्ष या विपक्ष या कोई भी नेता बोले,
ये तो धर्म के ऊपर है। अरे धर्म का चोला क्यों ओढ़ते हो भाई, आपके धर्म की छूट है, आप हर चीज धर्म की करते हो, तो आपका धर्म ये नहीं बोलता है कि आप जहाँ रहते हो उसको सेफ रखो, उसकी रक्षा करिए। ठीक है, धर्म का भी गलत उपयोग यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ठीक। बावजूद इसके अजय वर्मा जी के सीधे सीधे वाक्यों में ये नहीं निकल रहा, वो घुमा फिरा के सरकार के इर्द गिर्द बातें कर ही रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, जब देखिए ऐसे लोगों का क्या होता है ना, अपने फायदे के लिए ये बोल देंगे हिंदू मुसलमान आप मत करिए, ये मत करिए, वो मत करिए, और सारी उम्मीदें सरकार से, उम्मीदें सरकार से हैं। आप इस देश के नागरिक हो, चुनाव लड़ोगे, हर चीज करोगे, लाखों आपके फॉलोअर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? कि केवल पार्टी के टॉप लीडरों की ही बनती है? वो घर पे पहुंच के और मंत्र पढ़ेंगे आपका कोरोना गायब हो जाएगा? दुनिया भर से इन्फेक्टेड लोगों को, मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ, यहां से पहले इस मरकज में जो आए थे, पहले मलेशिया में हुआ था, और वहां पे पाकिस्तान के मंत्री मिनिस्टर भी गए थे, एक फीमेल वहां पे मिनिस्टर थी, वो बोल रही थी कि आप लोग तो अल्लाह के दूत हो, आप जहां जाओगे आपको कोरोना क्या होगा? तब इंडिया में एक भी केस नहीं था, इसकी खबर भी नहीं थी, आप लोग जाइए सब जगह, और वहां से मोटिवेट करके यहां पे भेजा गया, जो पकड़े जा रहे हैं कि कितने मलेशिया और कितने इंडोनेशिया में इन लोगों ने तांडव मचाया था फिर आया था। अब ये कैसे, अब पर्दे डालने के लिए क्या है? अरे जी वो मजलूम है, वो ना समझ है, उनको ऐसा नहीं पता था, आप छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। लाखों लोगों को प्राइमरी वेक्टर का काम आपने खुद डाटा बताया, 30-35% लोगों में इन्फेक्शन फैला तो इनके कारण फैला, प्राइमरी वेक्टर का काम इन्होंने किया है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री कैसे बदला जाए, वहां कैसे ज्योतिराव सिंधिया की वो फिर आप कहेंगे कि सियासत मत करिए, कैसे शपथ दिलाई जाए, फिर आप कहेंगे कि सियासत मत करिए, इनके कहने का मतलब है सियासत मत करिए, क्योंकि कोरोना प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के बेटे को कोरोना हो गया, वो छुपाया गया, बंदर प्रदेश में 50 से अधिक आईएएस अफसर को कोरोना है, वो छुपाया जा रहा है, 170 लोगों को कोरोना है, वो छुपाया जा रहा है, जो सब ठीक है। ठीक है, अजय वर्मा जी, लेकिन अजय वर्मा खुद अभी बोला है कि बड़ी बड़ी सरकारें, देखिए ये महामारी है, महामारी ने 70 साल में आप लोग ऐसा कोई मैग्नीजम स्वास्थ्य का डेवलप नहीं कर पाए हो, चाहिए मजदूरों के हितार्थ जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको कैसे अनुदान मिले, उनको कैसे अनुदान मिले, देखिए लॉकडाउन तो इन सब में हम क्या जमात के इसका जो कारनामे उसको नकार दे क्या? कार्यवाही करिए, अरेस्ट करिए, क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं उनको, बंद करिए उनको, खिलाफ जो सरकार एजेंडा है उसे अपना चलाइए। अरेस्ट करने में क्या होगा, आप जहां ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाता है, सरकार किसी की भी हो, ये लोग सड़क पे उतरना बड़ा नाजुक मुद्दा है, नारेबाजी लगाना शुरू कर देंगे मेरे भाई, यहां हर जगह इतना बातें आप कर रहे हैं। अजय वर्मा जी मैडम, आपकी क्या ये नाजुक मुद्दा नहीं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहा है कि 17 राज्यों में 1023 कोरोना वायरस से पॉजिटिव मरीज तबलीगी जमात से संबंध रखते हैं, क्या ये नाजुक मुद्दा नहीं है? सरकार को अपना काम निसंदेह स्पष्टता के साथ करना चाहिए, तो इसमें सरकार की गलती है? नहीं, सरकार को ये जानकारी नहीं देनी चाहिए, हम बता रहे हैं, सुन लीजिए, सरकार को काम करेगी बैडी या अमेरिका का, लंदन का, ब्रिटेन का, फ्रांस का, कोई है? अरे बड़ा अच्छा काम किया, अपना दायित्व निभा रहा है, कितने लोगों को राशन खाना दे दिया, फोटो डलवा दिया, ठीक है, ठीक है, देखिए जिस जो आप बयान कह रहे हैं कि मौलाना साहब ने ये कहा है कि मस्जिद में आकर मरिए, ये किस वक्त का बयान है आपको शायद नहीं पता, ये 14 फरवरी का बयान है। अच्छा, लॉकडाउन हो रहा है आपका 21 फरवरी को, 21 मार्च को शब्द यूज किया गया था वहाँ पे, एक महीना पहले से कोरोना आ चुका था दिसंबर में, एक मिनट, कोरोना दिसंबर में, मौलाना साहब को जानकारी नहीं है, जानकारी थी उन्होंने ये शब्द यूज किया था, कोरोना दिसंबर में बैठे मित्र जो है नहीं बताएंगे। देखिए मौलाना साहब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप अपने वो अलग बात है कि बाद में एक सफाई भी जारी किया गया, लेकिन इसमें साफ साफ ये कहा गया है। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता, पहले तो जिस तरह के आप डिबेट मुझसे कराना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, आप तथ्य को तोड़ मोड़ के पेश नहीं कीजिए, डिबेट अपने
मैंने वीडियो को नहीं, मैंने ऑडियो को नहीं झुठलाया। नहीं तो आपके हिसाब से ये क्या है जो अभी हमने दिखाया वो क्या है? आप खुद झूठ बोल रहे थे, आप खुद मामलों को इधर उधर कर रहे थे। ये 14 फरवरी का बयान है। अरे बयान कभी का भी हो, कोरोना का उन्होंने जिक्र किया था, मतलब है उनको इल्म था। मैं नॉलेज बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, उनको इल्म था कोरोना का। जो 15 लाख लोग आए उनके टेस्ट क्यों नहीं हुए? मैडम आपके अंदर हिम्मत है कहने की? आप कह के दिखाइए मुझे। किस बात की हिम्मत ढूंढ रहे हैं आप? दिखाइए किस बात की हिम्मत ढूंढ रहे हैं? क्या सवाल नहीं पूछते हम? नमस्ते, क्या सवाल नहीं पूछते? एक बार और से झूठ वाली डिबेट में नहीं बैठता। अजय वर्मा जी, क्या अभी भी आपको लगता है कि साथ देना चाहिए इंतखाब के मूड में लेके जा रहा है? क्या अभी भी आपको लगता है क्या साथ है कि डिबेट भी इंतखाब हो, तकरीब हो इनके हिसाब? अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, आपके सामने है सब कुछ। थोड़ी देर पहले आप भी डिफेंड कर रहे थे, बोल बोल बातें गुस्से रही है। जवाब दाएं बाएं से आ रहे तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं? ठीक है, आप बोले, आप बोले, आप बोले, आप बोले, आप बोले, आप सुनना नहीं चाहते। सर्टिफिकेट बांटने का आपको तो नफरत फैला रही है। आप बोले, सर्टिफिकेट आपको मिल कहां रहा है? अरे सर्टिफिकेट मिल कहां रहा है आपको? जी हम आपसे बात करते हैं, 2014 से तो मिला नहीं सर्टिफिकेट, हर बार लेने की आप कोशिश कर रहे हो। एक दिक्कत ये है रशीदी जी, आपको बहुत बुरा लग रहा है मेरे हर एक सवाल पर, लेकिन दिक्कत ये है कि सोए हुए को जगाना बहुत आसान है, लेकिन जो सोने का नाटक करे उसको बहुत मुश्किल होता है जगाना। अजय वर्मा जी, स्मिता जी, मेरा अनुरोध, बहुत अच्छी बात है, यहाँ जस्टिस ए के मिश्रा साहब बैठे हैं, न्यायमूर्ति हैं, उनसे शिवम जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के सीनियर हैं हमारे, हम तो कार्यकर्ता थे, अब आपने अपना खोल बदल लिया है। और नहीं, हम कांग्रेस नेता नहीं, नहीं सर, हमें पता है आप क्या थे और क्या। देखिए व्यक्तिगत होकर के मत करिए, आप अपनी बात को रखिए सर। मैं आपको सम्मान दे रहा हूं। नहीं, मैं भी सम्मान ही बोल रहा हूं। और हमें पता है, और फिरंगी साहब बैठे हैं, मेरा एक अनुरोध ये है, अभी ना इनसे मैं ये कहने लगता कि रामलाल बैठे तो चिढ़ जाते, इन्हें जस्टिस कराऊं तो मुसीबत है, क्या कहूं मैं? ये समझ में नहीं आ रही, चूंकि इनकी सोच ही ऐसी है। नहीं नहीं अजय जी, आप अपनी देखिए, आपकी सोच हम देख रहे हैं। 2014 अजय वर्मा जी, व्यक्तिगत स्मिता जी, कि इस वक्त ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये देश सरकार बीजेपी अपोजिशन छोड़कर हम लोग किस तरह से, कहां किस तरह से गरीबों की मदद कर सकते हैं, इस कोरोना को कैसे हरा सकते हैं, उन डॉक्टरों को कैसे सलाम कर क्या सकते हैं? क्या एकता है साहब? सुनो यार, सुन लो, बोलो मत, बीच में आ गई है, आंसर देने लगते हैं। ये नेता है, हम डॉक्टरों को कैसे बचा सकते हैं, हम पुलिस वालों को कैसे सलाम कर सकते हैं, हम सफाई कर्मियों को सलाम कर सकते हैं? यहाँ बैठकर फर्जी मुठभेड़ हम नहीं करना चाहते। फर्जी मुठभेड़ और करेंगे कुछ नहीं, कुछ नहीं करेंगे। अजय वर्मा जी, सब कुछ अजय वर्मा जी, जवाब का भी सब कुछ आप ही ने दिया। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी मजदूरों के विपक्ष से हमारा ये अनुरोध है कि कोरोना वायरस को सलाम करिए, अपने स्तर से जो मदद हो सकती हो कोरोना को हराने के लिए लड़ाई लड़िए। अजय वर्मा जी, और अजय वर्मा जी, विश्व इसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना बंद करिए। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, मेडिकल क्लीट आए और जान जाए। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, मेरी बात भी सुन लीजिए। अगर देखिए, एक बड़ा बड़ी विपक्ष, अगर किसी एक मुस्लिम की वजह से पूरी कौम मुसलमानों की अगर गलत हो रही है, तो यहाँ वीर अब्दुल हमीद भी थे, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब भी थे, और हिंदुस्तान के ऐसे लोग थे कि हिंदुस्तान को ऐसे मुस्लिमों पर गर्व है। तो ऐसे जो लोग हैं कि जिस तरह से कोई बयान पहले कुछ कहता, वो कोई भी हो, शिवम हो, अजय वर्मा हो, मिश्रा हो, मौलाना हो, रशीद हो, फिरंगी हो, उनको कंडेम करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। हाँ, तो ये और बात आप उनसे किस तरह से ये कोरोना को हराना है, और ये हालात हमारे यहाँ इटली, चाइना, लोम्बार्ड, फ्रांस, ब्रिटेन, ईरान जैसे ना हो, भगवान से प्रार्थना करते हैं लोगों को। ये वही कांग्रेस के नेता है, नकली बात है, इनके पास कोई काम नहीं है, हिंदू इनके पास हिंदू मुस्लिम कांग्रेस ये ऐसे नेता है, इनके दिमाग ये केवल हिंदू टेलीविजन भाषण देने की तकनीक जानते हैं, कोरोना वॉरियर्स को सलूट नहीं कर सकते, कोई मदद नहीं कर रहे, तो हिंदू ये किसी को कोई सूचना नहीं दे रहे, बैठ रहे हैं, ये भाषण उस वक्त ये हिंदू टेलीविजन ये निगेटिव भाषण करते हैं, इनकी सोच निगेटिव, कांग्रेस ये निगेटिव सोच निगेटिव, ग्रुप निगेटिव, तो पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरी समझ में नहीं आता है, सारे समझ का ठेका इन्होंने लेकर रखा है, क्या हर दिन अपने मेरी समझ में नहीं आता है कि ये इस वक्त ये
अपना चेहरा चमकाओ भाई, ठीक है आपको बना ले प्रवक्ता कोई, चलिए चेहरा चमकाओ आपसे आपसे चेहरे पे मौलाना आप काली तो पोत नहीं मारो, पहले काली खटा लो अपने चेहरे पे, ठीक है ये सारे रंग आपके पास है सर, ठीक है पहले आप काली साफ करिए अपने चेहरे पे, सुन लेते हैं ना आप भारत के नाम से एक मिश्रा जी हम इस हिंदुस्तान के नाम से चाहेंगे, एक मिश्रा जी एक मिश्रा जी एक कोरोना की इस महामारी में कम से कम व्यक्तिगत झगड़ों का समय नहीं है, आप बनाते हो सर एक मिश्रा जी हिंदू टेररिज्म का मतलब पूरी कांग्रेस पार्टी को बौखला गई, इधर हमारे वर्मा जी बौखला रहे हैं कि मरकज का नाम मतलब फर्जी नेता होते हैं अजय वर्मा जी बोल बदल लेते हैं, फर्जी नेता अजय वर्मा जी जो होते हैं ये अपना रंग रूप बदल लेते हैं तुरंत, ये फर्जी नेताओं की निशानी है, ये देखो पहले ही खत्म हो गई थी, मौलाना रशीदी जी एक मिश्रा जी एक मिश्रा जी देखिए एक मिश्रा जी मौलाना रशीदी जी भी हमारे साथ बड़े देश, लेकिन आप बताइए आप बताइए आपको क्यों बताऊं, बताइए कहां है मौलाना साहब, आपने खुद कहा कि वो कहीं गए नहीं हैं, आप क्यों नहीं बता रहे, आप क्यों नहीं बता रहे, सर कागज आप नहीं दिखाओगे, मौलाना साहब का पता आपको पता है आप नहीं बताओगे, एक सवाल आप सरकार से नहीं पूछ सकते, अरे सर कुछ तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए, ऊपर भी आपको जवाब देना है, चैनल में बैठना भूल जाओगी आपको, आप मुझे धमकी देंगे, आप मुझे धमकी देंगे, नहीं कर सकती आप मुझे धमकी देंगे, चैनल में बैठे आप मुझे धमकी देंगे, आप मीडिया को धमकी देंगे, मतलब सवाल पूछो तो इस कदर नाकारा गुजरेगा कि आप मुझे धमकी देने लगेंगे, आपको आप मुझे धमकी देने लगेंगे, आईना देखिए आप मुझे धमकी दे रहे हैं, आप मुझे धमकी दे रहे हैं, आईना देखिए, मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा मौलाना साहब कहाँ है तो आप मुझे आईना दिखाएंगे, आप मुझे धमकी देंगे, आप मीडिया को धमकी देंगे, आईना देखिए नेशनल टेलीविजन पे आप मुझे धमकी देंगे, आप तो देश का साथ ही देंगे ना बताकर, तो तनखाने लेकिन फंडिंग बंद हो जाएगी, जो फंडिंग आती है दूसरे जगहों से दूसरे देशों से वो शायद बंद हो जाए, रसीदी जी आप ही